गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू क्लास ऑफ अकाउंटेंसी एंड इन द लॉकडाउन पीरियड एंड वी आर डिस्कसिंग ऑन चैप्टर नंबर 1 दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम कैसे मटेरियल कंज्यूम्ड को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और आज से हमारा जो वीडियो होगा वो पूरे मतलब कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, कंप्लीट क्वेश्चंस जो हमें मिलते हैं एग्जाम्स में उस पर फोकस्ड होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। ओके, सो लेट्स गो थ्रू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, तो हम अपना फॉर्मेट क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, इसका नाम क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, अपने माइंड में एक बात को सेट करके रखेंगे कि हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस हमने नाम चेंज करके रखा हुआ है। बस हम लोग ये बात, ये पॉइंट अपने माइंड में सेट करके रख लेंगे। ओके, तो दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज माई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और ये कौन सा नेचर का ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, रेवेन्यू नेचर। ये आपके क्वेश्चंस में एक बार आ चुके हैं और हो सकता है आगे भी आ जाए। तो ये कौन सा नेचर का ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, रेवेन्यू नेचर का। ओके, तो हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं पूरा पूरा। ओके, फॉर्मेट बना लिया हमने। अब हम इधर वाले जो इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, इधर वाले साइड को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, एंड इधर वाले साइड को क्या बोलते हैं, इनकम। ठीक है, तो याद करने के लिए मैं आपको एक बता रही हूँ, जो लिखते हैं उसका उल्टा, जो लिखते हैं उसका उल्टा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा है, बट हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे एक्सपेंडिचर और इनकम। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इस तरफ हम सारे एक्सपेंडिचर को लिख देते हैं, इस तरफ हम सारे इनकम्स को लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमने अब हमारा जो क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, अब ये देखिए कि हमने पेमेंट जितनी भी की होंगी वो हमारी एक्सपेंडिचर होगी, तभी तो हमने उसका पेमेंट किया है। ठीक है, हमने जितनी भी एक्सपेंडिचर को पे किया होगा, ठीक है, That is our expenditure. That is why we have paid for it. ठीक है, हमने किसी भी खर्च पेमेंट किया है, वो हमारा खर्चा है, तभी तो हम उसका पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पेमेंट वाले को लिख देते हैं, वो जो कि हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो पहले लिखेंगे टू, अभी यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ UB40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। आपको बोला गया है और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की एक अकाउंट दी हुई है और आपको साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब हमें जब सब्सक्रिप्शन बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमें ध्यान में रखना होगा कि इसमें क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, तो हम जब सैलरीज एंड वेजेस डील करेंगे तो हमें क्या याद रखना है कि कुछ ना कुछ उसमें ट्विस्ट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एंड डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, तो हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जब बनाएंगे तो भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें ये आइटम्स जब हम डील करेंगे तब हमें कुछ ना कुछ इसमें नीचे दिए गए एडजस्टमेंट्स को उसमें सेट करना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला कौन सा है, टू सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, तो अभी हम जो देखो, मैंने इसमें टिक लगा के रखा है, इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई एडजस्टमेंट है। तो हम जो अमाउंट यहाँ पे गिवन है, ओके, यहाँ पे जो अमाउंट गिवन है 1,60,000, उसको हम अंदर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 लिखेंगे एंड नीचे देखेंगे उससे क्या रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, जितने भी आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और इसका नाम हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। व्हाट इज द अमाउंट,
40,000, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 लाख। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसको लिख लेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस। व्हाट इज द अमाउंट? 35,000, ठीक है। सेकंड है हमारा, मतलब नेक्स्ट है टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, नेक्स्ट हमारा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होती है ये हमारे लिए असेट्स है। क्या है? असेट्स है, और असेट्स को हम कहाँ भेजते हैं? बैलेंस शीट में भेजते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी की तरह ही ये असेट्स है, तो असेट्स को हम जो एसेट बैलेंस शीट में ही भेजेंगे, ठीक है। बट इसके साथ एक है कि हमें डेप्रिशिएट करना है इसको 25%, ठीक है। तो हम लोग इधर डेप्रिशिएशन लिखेंगे। तो आप अगर रिकॉल कर सकते हो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो भी डेप्रिशिएशन आपका डेबिट की तरफ ही आया था, ठीक है। टू डेप्रिशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। कितना आपको डेप्रिशिएट करना है? 25%। तो 25% ऑफ मतलब तो इनटू होता है, आपको पता ही है, 3,40,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 85,000, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है टेलीफोन चार्जेस, जिसमें कुछ भी नहीं है तो हम चुपचाप यहाँ से लिख देंगे टेलीफोन चार्जेस, ठीक है। कितना है हमारा? 24,000। फिर हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, ये हमारा है 32,000। फिर है हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है जिसको हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम अब हम इधर आ जाते हैं रिसिप्ट्स की तरफ, मतलब हमें कौन कौन से पेमेंट्स मिले हैं, अमाउंट्स मिले हैं, पेमेंट्स नहीं, अमाउंट हमारे हाथ में, कौन कौन से पैसे हमारे हाथ में आए हैं, ठीक है। जो भी हमारे पैसे हमारे हाथ में आए होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे? इनकम होंगे। तो अभी हम इधर देखते हैं, सबसे पहले तो कैश का ओपनिंग बैलेंस है जिसे हमें छोड़ना है, और सब्सक्रिप्शन है। अब देखो सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, आपको प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ है, करंट ईयर का भी दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब सेम ईयर में आपको इतना मिला है, ठीक है, 3,50,000 आपको मिला है सब्सक्रिप्शन, और 55,000 जो है आपको नहीं मिला है सेम ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट्स कर लेते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, बट आई एम शोइंग यू हियर वर्किंग नोट्स, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का सबसे पहले हम लोग करेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हमें टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? एक तो 3,50,000 इस साल इतने थे, इतने हमें मिले हैं, और इस साल के कितने नहीं मिले हैं? 55,000, ठीक है। टोटल हो जाएगा 4,10,000 हमें इस साल मिलने थे, ठीक है। देखिए मुझे इस साल कितने मिलने थे? 4,10,000, ठीक है, बट मिले कितने? 3,50,000 ओनली, ठीक है। 55,000 मुझे नहीं मिले हैं, बट हम लोग इस साल हमें ये मिलने चाहिए थे ना 4,10,000, तो हम ये पूरा करेंगे कि हमें इतने मिलने चाहिए थे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, आखिर तक कितने आउटस्टैंडिंग रहे? इतने आउटस्टैंडिंग रहे थे आखिर तक, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे इसमें, फिर माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, ठीक है। बिगनिंग में कितने आउटस्टैंडिंग थे? 60,000, हमारा आ जाएगा 4,05,000, ओके।
यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन 4,05,000।